फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम 18 इंच एग्जॉस्ट फैन की रिवाइंडिंग किस तरह से करेंगे और इसके अंदर कौन सा डेटा हम डालेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 18 इंच का एग्जॉस्ट फैन, इसके अंदर हमने 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन सीट डाल रखी है। अगर हम इसकी कोर की लेंथ देखें तो कोर की जो लेंथ है वो है 7 सूत यानी कि 22 mm, और अगर हम इसके डाई की बात करें तो डाया है 3 इंच यानी कि 76 mm। तो इसके अंदर जो हम लच्छी की लेंथ रखने वाले हैं रनिंग बाइंडिंग की, वो 11.5 इंच की रखेंगे, यानी अगर हम उसको सर्कल में नापेंगे तो वो 23 इंच हो जाएंगे। तो फटाफट से हम रनिंग की कॉइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रनिंग बाइंडिंग की चारों कॉइल्स बना ली हैं, जिसको हमने 30 नंबर के कॉपर वायर से बनाया है और इसके अंदर हमने 170 टर्न्स डाली हैं। तो कॉइल्स को फटाफट से हम निकाल लेते हैं। तो चारों कॉइल्स हमने बाहर को निकाल ली हैं। अब हम पहली कॉइल को उठाएंगे जिसके अंदर हमारी पहली लीड है और इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी पिच रखने वाले हैं 4-6, यानी 4 पिच में हम एक राउंड डालेंगे और 6 पिच में हम 2 राउंड डालेंगे। कॉइल का पहला सिरा हम किसी भी स्लॉट में डाल लेंगे और इसका दूसरा सिरा हम 1, 2, 3, 4 पिच में डाल देंगे। उसके बाद हम इसको घुमा लेते हैं और इस तरह से हमारा हैंड घूमने वाला है। अब हम इसको जहाँ पर हमने सबसे पहले क्वाइल डाली थी उसके बगल में हम इसका पहला सिरा डालेंगे। तो ये पहला सिरा हमने डाल दिया। अब हम इसका दूसरा सिरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिच में हम इसका दूसरा सिरा डाल देंगे और अब हम इसको दोबारा से घुमाएंगे और जहाँ पर हमने 6 पिच में एक एक राउंड डाला था इसी के अंदर हम दूसरा राउंड भी डाल देंगे 1 में और 6 में। तो ये हमारी पहली क्वाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल इंस्टॉल करेंगे। हम दूसरी कॉइल किस तरह से इंस्टॉल करेंगे? जो हमारी पहली कॉइल का लास्ट वाला सिरा गया जिस कॉइल में उसको उठाएंगे। तो अब पहली कॉइल का लास्ट वाला सिरा हमारे सामने है तो दूसरी कॉइल का पहला सिरा हम सामने रखेंगे। अगर पहली कॉइल का लास्ट वाला सिरा हमारी साइड होता तो फिर हम दूसरी कॉइल का पहला सिरा हम अपनी साइड रखते। तो अब हम दूसरी वाली जो कॉइल डाल रहे हैं उसका हम पहले सामने वाला सिरा डालेंगे जो हमने सबसे पहले कॉइल डाली थी उसके बगल में एक स्लॉट छोड़ करके डाल देंगे और उसके बाद दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा जो कि हमारी साइड आएगा उसको हम 2 स्लॉट छोड़ के यानी कि 1 से 4 पिच पर डाल देंगे। उसके बाद बाकी की बाइंडिंग हम सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पहली कॉइल की बाइंडिंग की थी। तो फटाफट से इस कॉइल को कम्प्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी कॉइल भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके बाद तीसरी कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो तीसरी कॉइल को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे? जिस तरह से पहली कॉइल का लास्ट वाला सिरा सामने था अब दूसरी वाली कॉइल का लास्ट वाला सिरा हमारी साइड है तो तीसरी वाली कॉइल का पहला वाला जो सिरा रहेगा वो हमारी साइड रहेगा। यानी अगर किसी भी कॉइल का लास्ट वाला सिरा सामने वाली साइड है तो जो अब हम कॉइल डालेंगे उसका पहला सिरा सामने रहेगा और किसी भी कॉइल का लास्ट वाला सिरा हमारी साइड रहेगा तो जो हम नई कॉइल डाल रहे हैं उसका पहला सिरा हमारी साइड रहेगा। इसी तरह से हम रनिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलों को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने रनिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलों को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो फटाफट से हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की कॉइल्स भी बना लेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें भी बना ली हैं और इसकी जो लच्छी की लेंथ रखी है हमने वो 0.5 इंची घटा दी है यानी कि 11 इंची रखी है। सर्कल में नापेंगे 22 इंच हो जाएगी और इसके अंदर जो हमने टर्न्स डाली हैं वो 200 टर्न्स डाली हैं 32 नंबर के कॉपर वायर से। तो फटाफट से इन चारों कॉइलों को भी बाहर को निकाल लेते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल किस तरह से डालेंगे? यहाँ पर हमारी रनिंग बाइंडिंग की 4 पिच थी, किसी भी कॉइल की ले लेंगे, 4 पिच में हम पहला सिरा डाल लेंगे। अगर हमने रनिंग बाइंडिंग का पहला सिरा अपनी साइड रखा था तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का पहला सिरा भी हम अपनी साइड ही रखेंगे। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का पहला सिरा जो रनिंग बाइंडिंग की 4 पिच थी वहाँ पर डाल दी है यानी उसमें डबल कॉइल आ गई है। उसके बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग का दूसरा सिरा वहीं से 1, 2, 3, 4 पिच गिनेंगे, 4 पिच में हम इसको डाल देंगे। तो ये हमारे 4 पिच में स्टार्टिंग का भी एक राउंड आ जाएगा। उसके बाद बाकी की बाइंडिंग सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने रनिंग की बाइंडिंग की थी, यानी 4 पिच में हम एक राउंड डालेंगे और 6 पिच में हम 2 राउंड डालेंगे रनिंग बाइंडिंग में भी और स्टार्टिंग बाइंडिंग में भी। और लीडों के दोनों सिरे सेम उसी तरह से आएंगे, यानी किसी भी कॉइल का लास्ट वाला सिरा अगर सामने है तो जो नई कॉइल डाल रहे हैं
उसका पहला सिरा सामने रहेगा, और अगर सिरा हमारी साइड है तो नई वाली कॉइल का भी पहला सिरा हमारी साइड ही रहेगा। तो इसी तरह से फटाफट से बाइंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फटाफट से पीछे की टेपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे की टेपिंग कर ली है, अब हम आगे की लीड्स निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सेपरेटर लगा लेते हैं, क्योंकि हमने पहले डॉक्टर टेप नहीं लगाया है। तो दोनों ही कॉइल यानी रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हम सेपरेटर ज़रूर लगा लेंगे, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो। तो सेपरेटर पेपर हमने लगा लिया है, अब हम आगे की लीड्स निकालेंगे। तो आगे की लीड निकालने में ज़्यादा झमेला है नहीं, क्योंकि हमने तार को बिना कट के रही ही चार कॉइल्स बनाई थी। यहाँ पर सिर्फ चार लीड हैं, दो लीड रनिंग बाइंडिंग की है और दो लीड स्टार्टिंग बाइंडिंग की है। रनिंग वाली लीड में हम पॉजिटिव कलर लगाएंगे, यानी कि लाल कलर लगा देंगे, और स्टार्टिंग वाली लीडों में हम नेगेटिव कलर लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा दे रहे हैं। तो फटाफट से हम चारों लीडों को ज्वाइन कर लेते हैं। टेपिंग करने से पहले आप जो है इसकी बाइंडिंग को चेक कर लेंगे, बाइंडिंग सही से बोल रही है नहीं बोल रही है, अर्थिंग वगैरह तो नहीं है। दो लाल कलर की लीडें हमने रनिंग बाइंडिंग में लगा दी, और यहाँ पर दो ब्लैक कलर की लीडें हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग में लगा दी। इसकी हम सेटिंग कर लेंगे स्लिप डाल करके, इस तरह से हमने यहाँ पर ये सेट कर दी है। तो अब हम इसकी टेपिंग कर लेते हैं फंदे वाली। इस तरह से हम अच्छे तरह से इसकी टेपिंग कर लेंगे। तो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जो पेपर है, पेपर दबाने के बाद एक बार हम बाइंडिंग को चेक कर लेंगे। तो सब कुछ यहाँ पर ओके है, अब हम इसके ऊपर वार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश कर रहे हैं। इस पर हम अच्छे तरह से वार्निश कर लेंगे, एक तरफ से वार्निश कर देंगे, उसके बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने देंगे। जब वार्निश दूसरी तरफ को निकल जाएगा तो इसको पलट करके हम दूसरी साइड से वार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड इस डेटा के हिसाब से आप इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो डेटा हमने डाला है उसकी कोर की लेंथ जो थी वो 7 सूत यानी कि 22 mm थी। अगर कोर की लेंथ मोटी है तो तार का साइज मोटा हो जाएगा। नॉर्मली जो तार का साइज पड़ता है वो 26-28 पड़ता है, लेकिन इसके अंदर जो तार का साइज निकला था ओरिजिनल वो 32-33 निकला था, लेकिन हमने इसके अंदर 30-32 डाला है। 30 नंबर से 170 टन्स और 32 नंबर से 200 टन्स डाली है सिंगल डबल राउंड। पहले इसके अंदर अलग डेटा था, लेकिन वो डेटा हमने नहीं डाला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर इस तरह से और इस डेटा के हिसाब से आप 18 इंच एग्जॉस्ट फैन की रिवाइंडिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर जो हम कैपेसिटर लगाएंगे वो 4 mmFD का कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो कोर का साइज है वो पतला है, 7 सूत यानी कि 22 mm है। तो नॉर्मली जो कैपेसिटर लगता है एग्जॉस्ट फैन के अंदर वो 6 mmFD का लगता है, लेकिन इसके अंदर हम 4 mmFD का कैपेसिटर लगाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।